राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और ये छोटे से शहर जयनगर में हो रहा है और ये इसमें हम सब लोगों की सहभागिता ये अपने आप में गौरवपूर्ण है। और जहाँ तक इसके संदर्भ में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कुछ कहने की बात है तो ऐसा है कि पत्रकार निष्पक्ष होकर के अगर कुछ करता है तो समाज में ही हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं विरोधी नहीं जताते बल्कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। अभी हाल में टीवी पर देखा गया है विदेशों में कई पत्रकारों की हत्या कर दी गई है और हमारे यहाँ भी हत्या नहीं तो कम से कम मारपीट तो हो ही जाती है। तो निष्पक्ष रूप से इतना बड़ा साहस अपने आप में पैदा करना एक पत्रकार के ही बस की बात है और बाकी हम तो ये देखते हैं कि बहुत सारी चीजें अब बहुत सी आदतें लोगों में इस तरह सुमार है कि टीवी या अखबार न मिले साथ में चाय न मिले तो उसका दिन भर मूड जो है उठा उठा रहे। और इस मामले में हम भी एक अपवाद नहीं, आप सब लोगों के साथ हम भी शेयर कर रहे हैं। हमारी कुछ आदतें हैं, हमारे यहाँ दोनों अखबार आता है दैनिक हिंदुस्तान की जागरण की, हम मौका पड़ने पर दोनों ही पर लिखते हैं। हम आपको एक बात बता देते हैं, हम किसी भी पत्रिका या पत्रकार के ग्रुप में शामिल नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। रिपोर्टिंग भी करते हैं, लिखते भी हैं, समीक्षा भी करते हैं, संपादन भी करते हैं, आलेख भी लिखते हैं, लेकिन किसी भी ग्रुप के साथ नहीं है। हम प्रयोगधर्मी रचनाकार हैं और हमारा अपना मतलब है पत्रकार भी किसी प्रकार से डरे सहमे नहीं और समाज के बीच रह करके समाज की बारीकियों को अपने संवाद में डालें और कदम कदम पर आपकी अवहेलना होती रहेगी, आप अपमानित होते रहेंगे, प्रताड़ित किए जाते रहेंगे, हो सकता है परिवार के साथ विच्छेद भी हो जाए आपका या जेल यात्रा भी किसी न किसी बहाने करनी पड़े, लेकिन हर जगह आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।